मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है अराउंड 6 AM। हम यहाँ शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं कुछ लोग कह रहा हूँ, और आज है डे 2। अभी तक बहुत कम्फर्टेबल रहा, कोई परेशानी नहीं आई और नींद भी अच्छी है। खाने के बाद मैं जल्दी सो गया था और सोता उठा मैं वादियों के बीच खुद को पाकर और भी अच्छा है। अभी ये प्रॉपर स्टॉपेज है नहीं, प्रॉपर स्टॉपेज अराउंड 7। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:30 अराउंड। बस अभी ठीक लग रही है, बस चलने लगी है। बस में कुछ फॉल्ट आ गया था, फिलहाल सारी चीज़ें ठीक कर दी गई हैं। अब तकरीबन 1 घंटे का डिले है, बट एनीवेज सफ़र का मज़ा लिया जा रहा है। और अभी 1 घंटे में एक स्टॉप आएगा, वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, फ्रेश होने का मौका मिलेगा थोड़ा। तो हाँ, बाकी मैंने कल के ब्लॉग की एडिटिंग शुरू कर दी है, तो ऐसे ही सफ़र बीत रहा है हमारा। थोड़ा एडिटिंग, थोड़ा गाना, थोड़ा मूवीज़ और खाने पाने की चीज़ें भी हैं। तो हाँ, बस ऐसे इंजॉय करते हुए जा रहे हैं सफ़र का। और बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बहुत पीसफुल लग रहा है, ठंडा ठंडा भी है मौसम, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी की है। बाकी आगे देखते हैं कैसी होती चीज़ें, शेयर करते रहेंगे आपसे। और ठंडी इतनी है कि मैंने एक स्वेटशर्ट डाल ली है और अच्छा लग रहा है मौसम। तो दोस्तों अभी हमने लिया अपना सेकंड स्टॉप, टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 और सही है, टाइम से ही है। अभी हम ड्राइवर ने कवर कर लिया है, बहुत तेज़ चला रहा था, बट अच्छा चला रहा था। तो 10 बजे अभी भी दिखा रहा है मनाली, और बढ़िया है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 10-15 मिनट का, चाय वाय पियेंगे और देखते हैं। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा रहा सफ़र, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। और एक और चीज़, मैं अपनी पिछली ब्लॉग में मेंशन करना भूल गया था अपने एजेंट का नाम। तो एजेंट है हमारे राजी, उन्होंने मेरे को 10% का डिस्काउंट दिया। मैं आपको उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे, आपको ट्रैवल करना हो दिल्ली से कहीं भी, कोई भी बस सर्विस इंटरसिटी की, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और उनका नंबर मैं डाल दूंगा। और हाँ, अच्छा है, बाकी मुझे भी 10% का डिस्काउंट दिलवाया। बस की सर्विस भी बहुत अच्छी लगी, बस एक प्रॉब्लम है बस में कि वाईफाई नहीं चलता उनका। बाकी आपको सॉकेट्स मिल जाएंगे, आपको चार्जिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, कंबल मिल जाएगा, पानी की बोतल मिल जाएंगी, और बहुत फ्रेंडली लोग हैं। सर्विस में भी आपको फ़ोन करके पूछते हैं आप कहाँ पे हो। इनके लॉन्जेस, वॉशरूम्स बहुत साफ़ सुथरे थे, तो बहुत अच्छा रहा है इनका अभी तक का जितना भी देखा मैंने। तो इंटरसिटी मैं रिकमेंड करूँगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी बस खड़ी है, ये है पहाड़, पहाड़ के सामने ये कुछ ऐसा दिखता ढाबा, यहाँ पे रोका हुआ है। और ये वॉशरूम्स भी हैं। रास्ते में कुछ अच्छी वादियाँ झरने दिखे, वाटरफॉल, रुकने का मन किया, बट अपनी गाड़ी ना हो तो यही होता है, आप अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और मनाली जाके अब वाटरफॉल्स का मज़ा लिया जाएगा। तो कुछ ऐसा है हिसाब के साथ। तो दोस्तों अभी हमने एक और ब्रेक लिया छोटा सा, यहाँ पेट्रोल भराने के लिए रुके हुए हैं। ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट, टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30। हम लेट हो चुके हैं 1 घंटा क्योंकि रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। फिलहाल मेरी बस चली थी दिल्ली से, फिर कुरुक्षेत्र, फिर चंडीगढ़, उसके बाद मंडी, फिर कुल्लू, या कुल्लू मंडी जो पहले था, और उसके बाद आता है मनाली। तो तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। बहुत अच्छा रास्ता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस अब बस निकलने वाली है, फिलहाल व्यू का मज़ा लीजिए और मिलते हैं।
दोस्तों क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है यहाँ पे। सब पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और तकरीबन 7-8 लोग हैं बैठे अभी। मेरा भी बहुत मन है, कोशिश करेंगे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग सब कुछ करने की। फिलहाल गाड़ी फिर से ख़राब हो चुकी है तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं गाड़ी ठीक करने की कोशिश। इसी बार गाड़ी ख़राब हुई बट गाड़ी के पीछे का व्यू दे दो दोस्तों। आई एम नॉट श्योर कैमरे में कितने अच्छे से दिख रहे हैं बट फिलहाल जगह बहुत प्यारी है, हमारी गाड़ी ठीक हो रही है। फिलहाल ये व्यू है पीछे से, देखते हैं अभी कितनी देर और लगती है। 10:30, 11:15 हो गए हैं अभी। 10 बजे पहुंचने का टाइम था और 3 बार गाड़ी ख़राब हो चुकी है। बट ठीक है, गुस्सा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है। खाना पीना अच्छे से हो रहा है, गाने सुन रहे हैं, अंदर एसी अच्छा चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखते हैं कब तक पहुँच रहे हैं। लगेज कलेक्ट कर लिया, ये रहा हमारा ट्रॉली और ये कुछ यहाँ से व्यू बस स्टॉप लगेगा, बहुत बढ़िया। तो पहुँच गया आखिरकार, टाइम हो रहा है अराउंड 12, 2 घंटा डिले बट वही शुरू है। क्लास वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, ये है बस स्टॉप मनाली का। एंड यहाँ पे खड़े हमारे दोस्त लोग, वी आर वेटिंग फॉर आर कैब या ऑटो जो भी मिलते हैं। फिर यहाँ से हम अपने हॉस्टल जाएंगे। हमारी बस वो हरी वाली चली गई हमें छोड़ कर, कहीं नहीं, पूरा ड्यूटी उसने पूरा किया जैसे तैसे। थोड़ा पैदल चलना पड़ा। शिवम, हाउ आर यू फीलिंग ब्रदर? फीलिंग गुड। एंड हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस बस का एंड ऑल? बस खराब बहुत बार हुई पर अच्छी बस थी। हां यार, आई वोंट कंप्लेन। सेम हियर यार, खराब तो हुई बट कंफर्ट था। यहीं पे मैं Q&A कर रहा था शिवम के साथ। हाउ वुड यू रेट आउट ऑफ 10 बस का? 8 Would you recommend people to try bus? हाँ, मतलब इंटरसिटी supposed to be the best, पर वो ये है कि ये coolant leak हो गया बेचारे को, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। But काफी अच्छी बस थी relatively. Totally है। I guess 15 से 16 घंटे का जब सफर हो तो कुछ ना कुछ चीजें तो आ ही जाती हैं। Relatively अच्छा था ये। और हम यहाँ से पैदल ऊपर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑटो वाले ने डिच कर दिया। यहाँ पे थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा इसका, गाड़ियाँ भी नहीं चल पा रही हैं। स्पोर्ट्स से भी निकल गए लोग। एग्जैक्टली, लुक एट द डिजाइन, वाओ, आई लाइक द डिजाइन, this looks cool. Whoa, so here we are. Look at the view, guys. Here's my friend coming. ये हमारी छोटी सी बहन है। से हाय टू माय व्यूअर्स, 50 लोग ही देखते हैं, ठीक है। वो दिस इज ब्रेथ टेकिंग गाइस, लुक एट दिस।